Good morning everyone, myself architect Mala Divedi. I am an architect and a Vastu consultant aur main apne sare projects mein Vastu principles 100% follow karti hoon to have more good fortune and more good luck. आज हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में. मिरर्स एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. लोग इसमें कन्फ्यूजन में गलतियाँ करते हैं और हमें इनके बैड इफ़ेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं. तो लेट अस सी, आप सबसे पहले इनको कौन से वॉल्स में यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता दूँ. मिरर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन द नॉर्थ वॉल और द ईस्ट वॉल. साउथ और वेस्ट में मिरर आप कभी भी मत लगाइए, और अगर हो तो उसको तुरंत निकाल दीजिए या अच्छे मोटे कपड़े से कवर कर दीजिए. चलिए हम पहले देखते हैं कि कौन से शेप्स के मिरर हम अपने घर में लगा सकते हैं. आप अपने घर में कोई भी शेप का मिरर लगा सकते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल में. ध्यान बस आपको यही रखना है कि आप जब अपना फेस मिरर में देखें तो आपका फेस कटना नहीं चाहिए. यू विल सी योर फुल इमेज. मिरर्स ऐसे प्लेस करिए. आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको प्रिकॉशंस क्या ध्यान देने हैं. जनरली गलतियां हमसे प्रिकॉशंस में ही होती हैं. तो पहला प्रिकॉशन ये है कि अगर मिरर या ग्लास टूट जाए तो उसको जॉइंट लगा के यूज़ मत करिए, इसको तुरंत रिप्लेस करिए. दूसरा, ब्रोकन मिरर्स, ब्रोकन ग्लासेस को तुरंत रिप्लेस करिए. अगर आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं तुरंत तो उसको निकाल के तुरंत डस्टबिन में फेंकिए. उस पर अपना फेस या अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट वॉल में पर्पसफुली लगे हुए मिरर को निकाल के फेंक दीजिए. अगर मिरर में लगी हुई फ्रेम क्रैक हो गई है तो उसको आप तुरंत बदलवाइए. उसको भी टेप या ग्लू या रेजिन से जॉइंट करके यूज मत करिए. दिस इज द वन वे. अगर मिरर फ्रेम के साथ टूट जाए तो उसको तुरंत फेंक दीजिए, इसको यूज मत करिए. इस पिक्चर में आपको क्रैक्ड ग्लास दिख रहा है, ऐसे ही मिरर्स भी क्रैक्ड होते हैं. तो इन दोनों पोजिशंस में ग्लास और मिरर को आप तुरंत निकाल के बाहर फेंक दीजिए. इनको जॉइंट ग्लूज वगैरह से यूज करके मत करिए. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो डिजाइनर शेप के मिरर्स हैं क्या हम इनको यूज करें? तो हाँ, ये मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, जैसे कि ये और ये. इन पिक्चर्स को आप यूज कर सकते हैं आपके नॉर्थ और ईस्ट वॉल में. इनका शेप जरूर ब्लर्ड है. आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें हमारा फेस प्रॉपर नहीं दिख रहा है. तो दैट आई वॉन्ट टू क्लियर कि इन मिरर्स को आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करिए नॉर्थ और ईस्ट वॉल में. लेकिन आप इसको डोंट सी योर फेस, इट इज नॉट योर ड्रेसिंग मिरर, इट इज जस्ट अ डेकोरेटिव पर्पस मिरर. वन मोर एस्पेक्ट अबाउट मिरर्स आर, दो मिरर्स कभी भी एक दूसरे को फेस करते हुए मत लगाइए. अगर आपको किसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए सजेशन हुआ है कि आप नॉर्थ वॉल में मिरर लगाइए और बाय चांस आपने उसके सामने साउथ वॉल में एक मिरर लगा दिया तो उसका इफेक्ट वहां पे खत्म हो जाएगा. इसलिए दो मिरर्स कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए. ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द मिरर इन वास्तु एंड दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू लर्न. वन मोर पॉइंट अबाउट बेडरूम्स में आप मिरर कहाँ लगाएं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर क्लाइंट इस बारे में ज़रूर पूछता है. तो आपके लिए इस पिक्चर में इसका आंसर है. बेड के दोनों साइड पे जहाँ एक सर्कुलर रेड ड्रॉन है, दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर द मिरर. एंड द क्रॉस्ड ऑन द थ्री वॉल्स, वहाँ पे आप मिरर मत लगाइए. बेडरूम में मिरर्स लगाने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सोते हुए हमारा बॉडी का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं पड़ना चाहिए. सो वी कैन सी द प्रिफर्ड पोजीशन कि जहाँ पे हम मिरर लगाएं. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल बट द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट मिरर. थैंक यू फॉर टुडे.